सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेज में वार्ड में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6-7 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 71, 72, 73, 74, 75, 76। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, इससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 71, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। धूप का मजा लेते हुए दो पैकर्स और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। पत्र में शहर का नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। पिन कोड 6 अंक का होता है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन कम थे, सरकारें पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। आज संदेश भेजने के नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीक जैसे ईमेल आदि से जुड़ गए हैं। अपनी बात कोई भी व्यक्ति तुरंत दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। अब इसमें प्रश्न है नीचे, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंकों का। आज हम संचार के कौन कौन से साधन का प्रयोग करते हैं लिखें। टेलीफोन, सेलुलर फोन, दूरदर्शन, समाचार पत्र। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। छांटना यानी अलग करना, गुनगुनी यानी सुहावनी, परिवहन यानी यातायात, हर कार्य यानी डाकिया, तकनीक यानी प्राविधिक, ईमेल यानी इलेक्ट्रिक बेल। चौथा प्रश्न, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करें। संदेश, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट। मोबाइल फोन बिना तारों का टेलीफोन है। ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। नीचे हैं, अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में ये जानकारी किस क्रम में लिखेंगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, गांव, कस्बे, शहर का नाम। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम लिखेंगे, फिर गाँव, शहर या कस्बे का नाम लिखेंगे, फिर खंड का नाम और लास्ट में राज्य का नाम और सबसे लास्ट में पिन कोड लिखेंगे। इस प्रकार हम पत्र लिखेंगे। यथा कार्यपत्रक 71, कार्यपत्रक 72, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ के किलों को देखने के लिए आते हैं। अब इसमें चित्तौड़गढ़ है सूरवीरों का शहर। चित्तौड़गढ़ की राजधानी था चित्तौड़गढ़ की, मेवाड़ की। चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध है? पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह है बेड़च नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है? उत्तर है राजस्थान राज्य में। छठा प्रश्न, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। साहस, साहस यानी वीरता। लक्ष्मीबाई के साहस को देख दुश्मन के पसीने छूट गए। बलिदान, बलिदान यानी त्याग। भगत सिंह ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। सूरवीर यानी वीर योद्धा।
महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूरवीर थे। विश्व यानी संसार, विश्व में भारत सबसे सुंदर देश है। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। साहस यानी वीरता, आदित्य यानी अनोखा, सिरमौर यानी सिर का ताज, यथा कार्यपत्रक 72, कार्यपत्रक 73। दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। पवन कह रहा है, दिवाली पर तुम्हारी कितनी छुट्टियां हैं? समीर, हमारी एक सप्ताह की छुट्टियां हैं। पवन कह रहा है, तब तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। समीर, इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। पवन, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगा। समीर कह रहा, पर क्यों? पवन, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। समीर, पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या? पवन, पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। समीर, वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं, पटाखों से सांस और आंख की बीमारियां बढ़ जाती है। पवन, जब तू सब जानता है तो। समीर, ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं जलाऊंगा। इसके नीचे प्रश्न है, प्रदूषण क्या है? वायु, जल, मिट्टी आदि में अवांछित तत्वों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। कौन कौन से प्रदूषण से हमारी धरती प्रभावित हो रही है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? उत्तर, सभी लोगों को जागरूक कर इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताकर हम रोक सकते हैं। पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? तो पटाखों से सांस लेने में दिक्कत आती है तथा इनकी आवाज से परेशानी होती है। आप सब दीपावली कैसे मनाते हैं? नए कपड़े पहनते हैं, सबको मिठाई खिलाते हैं, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। यथा कार्यपत्रक 73, कार्यपत्रक 74। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे, कलियां खिले, हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यह पद्यांश था। इसके नीचे प्रश्न है, कवि ने जीवन का सच किसे कहा है? जीवन में संघर्ष करना ही सच है। चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या मतलब है? अर्थात जब भी कभी जड़ता आए तो उसके लड़कर अपने आप को चेतन बनाना चाहिए। कांटे और कलियां किसका प्रतीक है? दुख और सुख के प्रतीक है कांटे और कलियां। कवि क्या संदेश देना चाहता है? जीवन एक संघर्ष है, इसे दुख और सुख में परिस्थितियों का सामना कर आराम से जीना चाहिए। नीचे है हार। हार सच शब्दों के विलोम लिखे। हार यानी जीत, सच यानी का विलोम होगा झूठ। हार का जीत, सच का झूठ, ये दोनों के विलोम है। ता प्रत्यय लगाकर कोई चार नए शब्द बनाएं। मानवता, दीर्घता, लघुता और प्रभुता। ये था कार्यपत्रक 74, कार्यपत्रक 75। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इसे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती है। खेती सोना उगलती है। वन, उपवन और उद्यान फूल फल और लताओं से लहरा जाते हैं।
हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसके ऋणी हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दें। इसका शीर्षक होगा हिमालय। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी आदि। गलदान की तरह निम्न में तीन शब्दों को भी बनाइए। जलदान यानी जल का दान करना, अन्नदान यानी अन्न का दान करना, भूमिदान यानी भूमि का दान करना, नेत्रदान यानी नेत्रों का दान करना। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है हिम प्लस आलय। हिमालय पर्वत की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। हिमालय से नदियां निकलती है, हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटियां होती है, हिमालय विशाल अमर और अटल है। हिमालय पर्वत की मानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है? भारत देश के। प्रस्तुत गद्यांश में संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखें। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ने आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानी में। ये कुछ पंक्तियां हमने हिमालय के बारे में लिखा है। अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखें। अटल में ए उपसर्ग टल शब्द हैं, अमर में ए उपसर्ग मर शब्द हैं। यथा करिपत्रक इगोत्तर बहोत्तर तिहोत्तर चौमोत्तर पिचोत्तर का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, जिससे कि हम आपको प्लेलिस्ट का लिंक उपलब्ध करवा सकें। वहाँ प्लेलिस्ट में हमने पूरी किताब को हल करके डाल रखा है। पूरी किताब के कार्यपत्रक आप एक साथ भी देख सकते हैं। इसका हल आपको अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।